हेलो फ्रेंड्स, पीसीआईटी टेक्निकल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार गुप्ता आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं। टॉपिक है TOP 20 CCC MCQ। ये ऐसा एमसीक्यू है जो इस समय ट्रेंडिंग में भी चल रहा है, और अगर आप ये 20 MCQ अच्छे ढंग से कवर कर लेते हैं तो समझिए कम से कम आपका 3 से 4 नंबर इसमें रखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। और क्वेश्चन नंबर पहला है, ओटीपी पिन कितने डिजिट का होता है? जी हाँ गाइस, ओटीपी पिन, ओटीपी आप सभी लोग जानते हैं, ओटीपी मींस वन टाइम पासवर्ड। ये किसी भी यूजर के वैलिडेशन के लिए या ऑथेंटिकेशन के लिए होता है, जो कि 4 to 6 डिजिट का होता है, और इनकी जो वैलिडिटी टाइमिंग की होती है वो मैक्सिमम आपका 10 मिनट का होता है। तो आंसर नंबर ए, यानी अगर पूछा गया ओटीपी पिन कितने डिजिट का, तो 4 से 6 डिजिट तक का ये होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2 नंबर क्वेश्चन। पोस में यूज होने वाला प्रिंटर है, पोस मींस पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल में यूज होने वाला प्रिंटर ये है हमारा थर्मल प्रिंटर, और पोस का पूरा नाम है पॉइंट ऑफ सेल। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएसडी, एसएसडी का फुल फॉर्म क्या है? आपने एसएसडी सुना होगा, हमारे कंप्यूटर सिस्टम का सारा डेटा हार्ड डिस्क में ही स्टोर होता है। ठीक उसी तरीके से अब लेटेस्ट में एसएसडी सबसे ज्यादा प्रचलन में है। SSD का फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि हमारे SSD से काफी बेहतर परफॉर्मेंस इसकी है, बूटिंग फास्ट होती है, और इसमें स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। तो आंसर नंबर ये याद रखिएगा, सॉलिड स्टेट ड्राइव इज द फुल फॉर्म ऑफ SSD। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, आईपी एड्रेस मैक्सिमम होता है, आईपी एड्रेस हमारा 128 बिट का होता है, आईपी एड्रेस 128 बिट का होता है, जो इंटरनेट पर यूज किया जाता है किसी भी एड्रेस को लोकेट करने के लिए या पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, मैक्सिमम वैल्यू इन A1 to A4 इज, A1 to A4 हम एक्सेल या लिब्रे ऑफिस कैलक यूज करते होंगे, अगर हम मैक्सिमम का फार्मूला लगाते हैं या कोई भी फार्मूला यूज करते हैं, तो हमारा जिस तरीके से आंसर नंबर बी में है, इसी तरीके से ये हमारा राइट वैल्यू बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, अतुल्य भारत योजना इज रिलेटेड टू, यानी अतुल्य भारत योजना किससे संबंधित है? तो अतुल्य भारत योजना ये टूरिज्म यानी पर्यटन से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, हु इज फादर ऑफ टेलीग्राम, यानी टेलीग्राम के फादर कौन है? तो आंसर नंबर बी, निकोलाई एंड पावेल डुर्बो इज द फादर ऑफ टेलीग्राम, ये टेलीग्राम के पिता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, रिमूव डायरेक्टरी के लिए यूज होता है, यानी अगर आपने कमांड प्रॉम्प्ट को पढ़ा होगा तो उसमें जानते होंगे रिमूव डायरेक्टरी क्या है। रिमूव डायरेक्टरी के लिए हमारा RMDIR कमांड यूज किया जाता है, RMDIR। ऑथेंटिकेशन का मींस है, ऑथेंटिकेशन मींस ऑथेंटिकेट करना, यानी प्रमाणीकरण करना हिंदी में बोलते हैं। किसी भी यूजर का वेरिफिकेशन करने के लिए हम ऑथेंटिकेट जरूर करते हैं, जैसे आप फिंगरप्रिंट के द्वारा ऑथेंटिकेट करते हैं, या कोड के द्वारा करते हैं, ओटीपी के द्वारा करते हैं। तो ऑथेंटिकेशन का अर्थ होता है यूजर वेरिफिकेशन, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, अमेजॉन इज ये टाइप ऑफ, आप लोग जान गए होंगे अमेजॉन क्या होता है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट ये सब हमारे, या स्नैपडील हो गए, सब ऑनलाइन शॉपिंग का काम करते हैं, जो हमारा B2C यानी आंसर नंबर सी में आता है। B2C मींस बिजनेस टू कंज्यूमर या कस्टमर कह सकते हैं, इनका सीधा संबंध कस्टमर से होता है सामान को डिलीवर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, वर्ल्ड आर कंट्री में कौन सा नेटवर्क यूज होता है, विश्व या आप कह सकते हैं किसी भी देश में कौन सा नेटवर्क यूज होता है? तो इसमें आंसर नंबर डी है, ऑल ऑफ अबव, यानी वैन लैन मैन, ये तीनों उसमें यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, और क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PNG, यानी PNG का फुल फॉर्म क्या है? आप लोग फाइल टाइप पढ़े होंगे, जैसे टिफ है, जिप है, ऐसे MPEG है। ठीक उसी तरीके से हमारा PNG भी आता है, जबकि PNG का पूरा नाम होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ये फुल फॉर्म है PNG का। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का सेकंड नेम क्या होता है, यानी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम ये हमारा होता है CSS, यानी क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14, हु डिस्कवर्ड CD, CD की खोज किसने की? आंसर नंबर ए, जेम्स टी रसल, यानी जेम्स टी रसल ने CD की खोज की। जेम्स टी रसल इज द डिस्क, या जेम्स टी रसल कह सकते हैं, ये CD या DVD जो हमने यूज किया है,
इन सबके आविष्कारक या खोजकर्ता हमारे जेम्स टी रसल है। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरटी? सीआरटी का फुल फॉर्म क्या है? आप लोगों ने मॉनिटर नाम सुना होगा, मॉनिटर में हमारे सीआरटी, एलसीडी, एलईडी, टीएफडी ऐसे करके आते हैं, जिसमें सीआरटी भी एक मॉनिटर है जो थोड़ा बहुत पहले अर्लियर एज में चला करता था। सीआरटी का पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 16, इक्वल प्रोडक्ट 7, -5 का वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू होगा -35, क्योंकि आगे प्रोडक्ट लगा है और प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज एस इन एचटीटीपीएस? यानी एचटीटीपीएस में एस का क्या यूज है? तो एचटीटीपीएस में एस फॉर होता है सिक्योर। हम किसी भी वेबसाइट के पहले एचटीटीपीएस देखते होंगे, वो एचटीटीपीएस में जो एस है, एस का फुल फॉर्म सिक्योर यानी सुरक्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इंस्टाग्राम इज रिलेटेड टू, इंस्टाग्राम किससे संबंधित है? इंस्टाग्राम इज रिलेटेड टू फेसबुक। आप जानते होंगे कई सारे सोशल मीडिया साइट चलते हैं जिसमें हमारा इंस्टाग्राम भी काफी पॉपुलर है, तो ये फेसबुक से रिलेट करता है, यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम ये एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारे हैं 19, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट आप सभी लोग जानते हैं, आज सारी दुनिया इंटरनेट पे ही आधारित हो चुकी है। हम कोई भी काम करते हैं, सारी चीज नेट के थ्रू ही होती है। तो इंटरनेट क्या है? ये आंसर नंबर डी होगा, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी नेटवर्कों का नेटवर्क हमारा इंटरनेट है। क्वेश्चन नंबर 20, उबंटु एक .. ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी उबंटु एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको आंसर देना है कि उबंटु कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आंसर होगा ए, ए फॉर हमारा GUI और V में CUI। GUI means graphical user interface and CUI means character user interface। तो हमारा जो Ubuntu है ये GUI है, graphical user interface। Guys, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से ये सारी टॉपिक कवर की है, उम्मीद है समझ भी गए होंगे। इन केस ये कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए हम बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। और कोई भी अगर समस्या आपको आती है जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच गाइज। आपने जितने भी सेशन कवर किए हैं उसको आप बिल्कुल नोट डाउन करके जरूर रखिएगा। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, आने वाली हमारी जो वीडियो नेक्स्ट है वो नेटवर्क हार्डवेयर की है, यानी कुछ नेटवर्क में हार्डवेयर डिवाइसेस कौन से यूज होते हैं, एज लाइक राउटर है या हमारे अदर डिवाइसेस वाईफाई हैं, इनके बारे में वीडियो जस्ट अपलोड होने वाली है। उम्मीद करेंगे कि आप इन वीडियो को जो आज आपने देखा है, जो आपके और भी स्टूडेंट हैं, फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, उनको भी शेयर कीजिए। हो सकता है कि उनके यहाँ का भी कोई लड़का ट्रिपल सी कर रहा हो और उसको भी ये कुछ ना कुछ इस टॉपिक को वो भी कवर कर ले, उसका भी फायदा हो जाए। तो गाइज चलते चलते बस मैं इतना कहने चाहूंगा कि प्लीज वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे हर आने वाली नोटिफिकेशन को आप सबसे पहले प्राप्त करें, इसके लिए आप वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू, धन्यवाद।